Hello kids, welcome on Future Point classes. Kids, today we will discuss about chapter 11, root system and flower. आज हम root system और flower के बारे में discuss करेंगे. Okay children? Now children, you know that plants are made up of many parts. Plants जो है वो कई parts से मिलकर बने हैं. Like us, जैसे हमारी body के कई ढेर सारे parts हैं. वैसे ही प्लांट्स के भी क्या हैं, कई ढेर सारे पार्ट्स हैं. फॉर एग्जांपल, दिस वन इज रूट, दिस वन इज रूट, दिस वन इज नोन एज स्टेम, स्टेम मीन्स तना, दिस इज लीव, लीव मीन्स पत्ती, दिस वन इज फ्रूट, फ्रूट मीन्स फल, this one is flower, flower means फूल, and this one is bud, bud means कलम. okay, so root, root means जड़, stem, stem means तना, leaf, leaf means पत्ती, fruit, fruit means फल, flower, flower means फूल, and bud, bud means कलम. इसके अलावा this one is known as branch. ओके, ब्रांच मींस टहनी या फिर शाखा. ओके चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन ये सब क्या है? बर्ड, फ्लावर, फ्रूट, लीव, स्टेम, रूट, ये सब क्या है? प्लांट के पार्ट्स हैं. ओके चिल्ड्रन, ना चिल्ड्रन, जो पार्ट्स, देखो जो पार्ट्स सॉइल के अंदर ग्रो कर रहा है, ठीक है, ये क्या है? सॉइल. ओके, और सॉइल के अंदर क्या ग्रो कर रही है प्लांट की? रूट्स. ठीक है, तो जो प्लांट, जो पार्ट सॉइल के अंदर ग्रो करता है उसे हम क्या कहेंगे? रूट. ओके, और ये रूट मिलकर क्या बनाती है चिल्ड्रन? रूट सिस्टम. क्या बना रही है चिल्ड्रन? रूट सिस्टम. अंडरस्टूड? जो पार्ट ग्राउंड के अंदर ग्रो करेगा उसे हम क्या कहेंगे? रूट. और रूट मिलकर क्या बनाती है? रूट सिस्टम. तो रूट सिस्टम में क्या पाई जाती है? रूट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ रूट्स. रूट सिस्टम के अंदर हमारी कहेंगे रूट्स. नाउ चिल्ड्रन, जो हिस्सा प्लांट का, वह पार्ट्स, प्लांट के वे पार्ट्स जो सॉइल से ऊपर हैं या ग्राउंड से ऊपर हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? शूट सिस्टम. ठीक है, तो जो पार्ट ग्राउंड से ऊपर है वे मिलकर क्या बनाते हैं चिल्ड्रन? शूट सिस्टम. ओके, तो कौन कौन से पार्ट्स ग्राउंड के अबव है? स्टेम, लीफ, फ्रूट, फ्लावर, बड एंड ब्रांच. ओके, तो जो पार्ट सॉइल से ऊपर है उसे हम क्या कहेंगे? शूट सिस्टम. सो शूट सिस्टम क्या हुआ चिल्ड्रन? अबव द सॉइल, अबव द ग्राउंड. तो हम लिख सकते हैं यहां पर जो सिस्टम ग्राउंड के ऊपर है इसे हम क्या कहेंगे? शूट सिस्टम. और जो सिस्टम सॉइल के अंदर या ग्राउंड के अंदर है उसे हम क्या कहेंगे? रूट सिस्टम. ओके चिल्ड्रन, नाउ चिल्ड्रन, प्लांट्स नीड वाटर टू ग्रो एंड मेक देयर फूड. प्लांट्स को ग्रो करने के लिए किसकी जरूरत है? वाटर की. किसकी जरूरत है चिल्ड्रन? वाटर की. ओके, ताकि ये क्या कर सके? अपना फूड भी बना सके और ग्रो करके एक बड़ा सा ट्री बन सके. ओके चिल्ड्रन, जैसे हमें ग्रो करने के लिए क्या चाहिए? फूड चाहिए, है ना? वैसे ही फूड एंड वाटर चाहिए, वैसे ही प्लांट्स को भी ग्रो करने के लिए क्या चाहिए? वाटर एंड मिनरल्स. ओके चिल्ड्रन, सो चिल्ड्रन, ये वाटर और मिनरल्स इन्हें कहाँ से मिलता है? दे एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल. ये वाटर और मिनरल्स को कहाँ से लेते हैं? सॉइल से. सॉइल मीन्स क्या है? मिट्टी. ओके, किसके थ्रू?
प्लांट्स को सॉइल से रूट्स के थ्रू अपने अंदर लेते हैं। ओके, तो इन रूट्स ने क्या किया, वाटर और मिनरल्स को अपने अंदर ले लिया। क्यों लिया प्लांट ने अपने अंदर, ताकि ये प्लांट ग्रो कर सके, बड़ा हो सके और अपना फूड बना सके। ओके, सो चिल्ड्रन, रूट का फंक्शन क्या है, वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना। एब्जॉर्ब मतलब अपने अंदर ले लेना या समा लेना। ओके, इसके अलावा ये रूट्स इन वाटर और मिनरल्स को कहाँ भेज देती है, स्टेम में भेजती है। ठीक है, और स्टेम इन वाटर और मिनरल्स को प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक पहुँचाने का काम करती है। ओके, तो स्टेम क्या कर रही है, वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम कर रही है। ओके, अब देखो यहाँ से रूट्स ने वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब किया, ये वाटर और मिनरल्स स्टेम के पास पहुँचाएंगे। स्टेम क्या करेगी, इसे लीव्स तक, फ्रूट्स तक, फ्लावर, बर्ड, ब्रांच, प्लांट के हर एक हिस्से तक पहुँचाने का काम करेगी। ओके, तो चिल्ड्रन देखो, अभी मैं सारे फंक्शंस नहीं बताऊंगी, लेकिन इस चैप्टर में हम क्या पढ़ रहे हैं, रूट सिस्टम के बारे में। तो आपको रूट का फंक्शन पता चल गया, रूट का काम क्या है, वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना। ओके चिल्ड्रन, नाउ चिल्ड्रन, देयर आर टू काइंड्स ऑफ रूट्स। रूट्स भी दो तरह की हैं। कितने तरह की हैं रूट्स, टू टाइप्स की। ठीक है, अगर हम मेनली देखें तो रूट्स हमारी दो तरह की पाई जाती हैं। फर्स्ट वन इज नोन एज टैप रूट्स एंड सेकेंड वन इज नोन एज फाइब्रस रूट्स। Now children, first one is known as tap root and second one is known as fibrous root. मैं इसको यहाँ पर आपको explain करती हूँ कि tap root क्या होती है और fibrous root क्या होती है। Children, इतना आपको समझ में आया? ठीक है, तो यहाँ पर हम सीखेंगे kinds of roots। ठीक है, कितने तरह की है, two types की, tap root and second one is known as fibrous root। Okay children, so सबसे पहले हम discuss करेंगे tap root के बारे में। किसके बारे में discuss करेंगे children, tap root के बारे में। Okay, तो tap root क्या है, tap root is a single root। tap root क्या है, एक single root है। ठीक है, इसके अलावा ये कैसी रहती है, थिक रहती है एंड ग्रोस डाउन स्ट्रेट, और ये एकदम स्ट्रेट ग्रो करती है। इसके अंदर सॉइल के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको देखो पिक्चर बना के थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगी, आप समझना। ठीक है, टैप रूट क्या है, देखो चिल्ड्रन, एकदम कैसी रूट है, एक थिक रूट है। कैसी रूट है, ये थिक रूट है। ओके, और सिंगल रूट, कैसी रूट है, सिंगल रूट, और एकदम कैसी है, थिक, थिक मीन्स मोटी। ओके, और ये ग्राउंड में, ठीक है, एकदम स्ट्रेट रहती है। उसके अलावा ये बहुत ज्यादा क्या रहती है, डीप रहती है। डीप मीन्स गहरी। ठीक है, तो ग्राउंड के अंदर डीप ये पाई जाती है। कौन सी रूट, टैप रूट। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कैरेट, कैरेट आपने देखी है, गाजर कैसी होती है, कैसी होती है, एकदम थिक होती है ना। गाजर क्या है, कैरेट क्या है, रूट वाला पार्ट्स है, हम रूट्स वाला पार्ट्स खाते हैं, है ना। तो वो कैसी रूट है, टैप रूट, आपने देखा है, एकदम थिक रूट रहती है ना, और सिंगल रूट रहती है। इस सिंगल रूट से छोटे छोटे हेयर की जैसे सेकेंडरी रूट्स निकली रहती है। ठीक है, इस तरह से पतली पतली एकदम स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। तो हेयर की जैसी एकदम छोटी छोटी क्या निकली रहती है, सेकेंडरी रूट्स निकली रहती हैं। तो ये तो आपकी क्या हो गई, जो सिंगल रूट है ये प्राइमरी रूट हो गई, और जिससे छोटे छोटे हेयर्स निकले हैं क्या है आपका, सेकेंडरी रूट्स। ओके, तो टैप रूट क्या है, सिंगल रूट है।
एकदम थिक रूट है, ये ग्राउंड में स्ट्रेट क्या करती है, ग्रो करती है, और ये काफ़ी क्या रहती है, डीप रहती है। ठीक है, तो इसी टैप रूट के साइड से आपके छोटे छोटे हेयर की जैसी रूट्स निकली रहती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी रूट। सो चिल्ड्रन, कैरट, रेडिश, बीट रूट, टर्निप, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, टैप रूट के। ओके, देखो मैंगो है, मैंगो में भी आपकी कौन सी रूट रहती है, टैप रूट। ओके, तो टैप रूट के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, ओके एग्जाम्पल पूछा भी जाता है कि टैप रूट के एग्जाम्पल बताइए, तो कौन कौन से है, देखो कैरट, ओके रेडिश, अंडरस्टूड, कैरट, रेडिश, बीट रूट, बीट रूट आपको पता है चुकंदर, ठीक है, इसके अलावा टर्निप, शलजम हो गया आपका, है ना, मैंगो, ये सब में कैसी रूट पाई जाती है, टैप रूट। ओके, नाउ चिल्ड्रन, नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट फाइबरस रूट। अब हम फाइबरस रूट के बारे में डिस्कस करेंगे। सो चिल्ड्रन, फाइबरस रूट हैव मेनी ब्रांचेस। फाइबर रूट ऐसी रूट है जिसमें कई ढेर सारी ब्रांचेस निकली रहती हैं। ब्रांचेस मींस क्या है, टहनियां, ठीक है, शाखाएं, किसमें, फाइबरस रूट में। इट मींस कि इसमें टैप रूट के जैसी सिंगल रूट नहीं है। ठीक है, तो ये रूट कैसी नजर आती है, जैसे कि मैंने आपको इस पिक्चर में दिखाया है, है ना, ये कैसी रूट है, एकदम फाइबरस रूट। ठीक है, अगेन मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, एक सिंगल रूट से ही, यहाँ पर किसी तरह की कोई सिंगल रूट नहीं होगी, इसमें एक ही रूट से कई ढेर सारी ब्रांचेस या हेयर के जैसे निकले रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह की फाइबर के शेप के रूट को हम क्या कहेंगे, फाइबरस। ठीक है, ये कैसी रूट है चिल्ड्रन, फाइबरस रूट। सो चिल्ड्रन, इट डजंट गो वेरी डीप इन द सॉइल, ये सॉइल के अंदर ज़्यादा गहरी नहीं रहती है। ठीक है, टैप रूट मैंने आपको बताया था, टैप रूट क्या रहती है, ग्राउंड के अंदर बहुत ज़्यादा गहरी डीप पाई जाती है। ठीक है, लेकिन फाइबरस रूट आपकी ज़्यादा डीप नहीं रहती है। हर्ब्स, राइस, वीट, ग्रास, ये सब किसके एग्जाम्पल है, फाइबरस रूट के। ओके, तो ज़्यादातर हम हर्ब्स देखें, है ना, ग्रास, ग्रास मीन्स क्या है, घास। ठीक है, तो वो कैसी रूट है चिल्ड्रन, फाइबरस रूट। ओके, रूट्स कितने टाइप्स की है, टू टाइप्स की, टैप रूट एंड फाइबरस रूट। टैप रूट कैसी रूट है, जिसमें एक सिंगल रूट रहेगी और उस सिंगल रूट से स्मॉल हेयर की जैसी रूट्स निकली रहती हैं। ठीक है, तो एकदम टैप रूट कैसी है, थिक रूट है। इसके जस्ट अपोजिट फाइबरस रूट देखिए, तो फाइबरस रूट में कोई सिंगल रूट नहीं है, इसमें फाइबर के जैसे, फाइबर मीन्स क्या है, रेशे, रेशे की जैसे या कई ढेर सारी इसमें क्या निकली रहती है, ब्रांचेस निकली रहती हैं। ओके, तो आपका वीट है, वीट मीन्स गेहूँ, है ना, हर्ब्स हैं, ज़्यादातर जो हर्ब्स हैं, ग्रास हैं, इन सब में कौन सी रूट पाई जाती है चिल्ड्रन, फाइबरस रूट। ओके, नाउ चिल्ड्रन, अगेन वी विल डिस्कस अबाउट द फंक्शन ऑफ रूट। हम रूट के फंक्शन के बारे में फिर से डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी एक फंक्शन तो मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि रूट का फंक्शन क्या है, वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करना। क्यों करना है वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब, ताकि ये प्लांट क्या कर सके, अपना फूड बना सके और ये अच्छी तरह से ग्रो कर सके। ठीक है, अब हम इसके कुछ और फंक्शंस के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है चिल्ड्रन, सो पहला फंक्शन क्या था चिल्ड्रन, फंक्शन ऑफ रूट, रूट मीन्स क्या है, जड़। ओके, सो रूट का काम क्या है, एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स। ठीक है, तो वाटर आपको पता है, वाटर मीन्स क्या है, पानी, एंड मिनरल्स मीन्स खनिज तत्व या खनिज लवण। ठीक है, कहाँ से लेती है ये, सॉइल से, अंडरस्टूड, कहाँ से लेती है चिल्ड्रन, सॉइल से।
Now children, दूसरा function इसका क्या है? Root fix the plant to the soil firmly. Root क्या करती है? Plant को soil means मिट्टी में मजबूती से जकड़ कर रखती है. क्या करती है roots? Plants को soil में फिक्स करके रखती है. ठीक है, एक ही जगह पर उसे बना के रखती है. अगर ये रूट प्लांट को फिक्स नहीं करेंगे तो क्या होगा, जब तेजी से आधी तूफान आएंगे तो ये रूट्स क्या हो जाएंगे, ये प्लांट क्या हो जाएगा, उखड़ जाएगा, है ना, अपरूटेड हो जाएगा. लेकिन रूट्स क्या कर रहे हैं यहाँ पर, रूट्स प्लांट को एक ही जगह पर बनाए रखने का काम कर रही है. ओके चिल्ड्रन, तो रूट्स क्या करती है, फिक्स प्लांट टू द सॉइल, plant to the soil firmly. Firmly means मजबूती से. ठीक है, तो fix मतलब निश्चित. ये plant को मिट्टी में मजबूती से बनाए रखने का काम करती है. कौन करती है children? Roots. Understood? तो children देखो, आपने देखा भी होगा, आप कभी किसी प्लांट को जब हम उखाड़ते हैं, है ना, कभी आपने ग्रास को उखाड़ के देखा होगा, तो आप देखते हो कि ग्रास के साथ, रूट्स के साथ साथ उसमें थोड़ी सी सॉइल भी उखड़ करके आती है. तो इसका मतलब क्या है, रूट्स ने, ये जो रूट्स हैं, ये जो जड़ें हैं, इन्होंने मिट्टी को जकड़ करके रखा हुआ है. अंडरस्टूड, मिट्टी को क्या करके रखा है, जकड़ करके रखा हुआ है, ताकि ये प्लांट क्या हो सके, ताकि ये प्लांट एक ही जगह पर बना रह सके. ठीक है, ताकि ये प्लांट क्या हो सके, एक ही जगह पर फिक्स्ड रह सके, उखड़ ना पाए. ठीक है, आधी तूफान किसी भी वजह से उखड़ ना पाए. इसीलिए चिल्ड्रन आपको ये भी बोला जाता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या लगाने चाहिए, पेड़ लगाने चाहिए, है ना. क्यों बोला जाता है ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाने के लिए, पहला तो आपको पता है कि प्लांट से हमें क्या मिलती है, ऑक्सीजन. क्या मिलती है चिल्ड्रन, ऑक्सीजन. दूसरा प्लांट, ठीक है, किसको, सॉइल को, ठीक है, मजबूती से जकड़ के रखते हैं, किसके थ्रू, रूट्स के थ्रू, जिसकी वजह से आपके लैंडस्लाइड, है ना, लैंडस्केप, ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं. तो आपने देखा होगा, मान लो ये पहाड़ है, एक माउंटेन है, ठीक है, और ये दूसरा माउंटेन है. ठीक है चिल्ड्रन, तो ये माउंटेन में क्या है, इस माउंटेन में किसी तरह के ट्रीज नहीं है, और इस माउंटेन में क्या है, कई ढेर सारे क्या है, ट्रीज हैं. ओके, इस माउंटेन में क्या है, कई ढेर सारे ट्रीज हैं. सो चिल्ड्रन, जब रेन आएगी, बारिश आएगी, तो क्या होगा, ये जो माउंटेन है ना, या हम बोल सकते हैं ये जो हिल है, हिल भी हम मान सकते हैं, हिल मान लो. ठीक है, ये हिल है, ये दूसरी हिल है, पहली हिल में क्या नहीं है, प्लांट नहीं है, दूसरी हिल में प्लांट है. तो जब रेन आएगी तो हिल की कुछ मिट्टी या सॉइल क्या होगी, बह करके नीचे गिर जाएगी, है ना, क्योंकि इसमें प्लांट नहीं है. लेकिन जिसमें प्लांट है, ठीक है, वहां पर किसी तरह का क्या नहीं होगा, लैंडस्केप या लैंडस्लाइड नहीं होगी. ठीक है, क्यों नहीं होगी, क्योंकि जो प्लांट में जो रूट्स हैं, ये जो रूट्स हैं, रूट्स ने क्या किया हुआ है, मिट्टी को जकड़ करके रखा हुआ है, जिसकी वजह से सॉइल भी खिसक नहीं पा रही है. ठीक है, एक ही जगह पर बनी है. ठीक है, तो आप घर में भी आप बैठ करके एक्टिविटी कर सकते हो. आप थोड़ा सा मिट्टी लेना, ठीक है, सॉइल लेना, और उसमें ऊपर से पानी डालोगे तो आप देखते हो कि पानी बह करके जहाँ को जाता है, वहीं उसी तरफ को कुछ मिट्टी भी बह करके या फ्लो हो करके जाती है. तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर क्या नहीं है, ट्रीज नहीं है, है ना, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, लैंडस्लाइड हो रहा है. ठीक है, तो ये चिल्ड्रन प्लांट्स लैंडस्लाइड को भी, भूस्खलन जिसे हम कहते हैं, या मिट्टी का खिसकना हम जिसे कहते हैं, उसे भी कम करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं. ओके चिल्ड्रन, तो ये क्या है, ठीक है, तो ये जरूरी है. ठीक है, प्लांट्स हमें अपने चारों तरफ लगाने चाहिए. ठीक है, प्लांट्स हर तरीके से हमारे लिए क्या है, यूजफुल है एक तरह से. ठीक है, फूड भी हमें मिल रहा है इसे, ऑक्सीजन भी हमें मिल रही है, ये क्या करते हैं, लैंडस्लाइड को भी कम करने में हेल्प करते हैं, लकड़ियाँ हमें इससे मिल रही हैं, फर्नीचर, मेडिसिन हमें प्लांट से मिल रहे हैं. ठीक है, प्लांट्स हर तरीके से हमारे लिए क्या है, यूजफुल है. तो विदाउट प्लांट वी कैन लिव, बिना प्लांट के हम रह नहीं सकते. ठीक है, हम हर तरीके से इन पर डिपेंड हैं.
Okay children, now children next we will discuss about some special roots. अभी हम कुछ special roots के बारे में discuss करेंगे. Okay, so are you ready? Special roots. अभी children हमने देखो kinds of roots पढ़ा था. लेकिन चिल्ड्रन कुछ स्पेशल रूट्स भी हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे. तो स्पेशल रूट्स क्या है? ये जो स्पेशल रूट्स हैं ये स्पेशल टाइप के फंक्शन को परफॉर्म करती है. ठीक है, तो ये कुछ अलग तरह से अपने कामों को पूरा करती है. तो सबसे पहले हम कौन सी स्पेशल रूट्स के बारे में पढ़ेंगे? एरियल रूट के बारे में. ओके, एरियल रूट्स. ठीक है, सो चिल्ड्रन एरियल से ही आपको पता चल रहा है एरियल का मतलब क्या होता है. एरियल मीन्स हवाई. एरियल मीन्स हवाई. हवाई मतलब हवा में फ्लोट करना. ठीक है, रूट्स मीन्स जड़. ठीक है, अब आपको मैं इसका थोड़ा अच्छे से बताऊंगी तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा. देखो, एरियल रूट्स आर द रूट्स दैट आर नॉट कवर्ड विद सॉइल. एरियल रूट वे रूट्स हैं जो कि मिट्टी से कवर्ड नहीं है, मतलब जो सॉइल से ढकी हुई नहीं है, उन्हें हम क्या कहेंगे? एरियल रूट. ओके चिल्ड्रन, सो चिल्ड्रन दीज रूट हैंग इन द एयर. ठीक है, ये रूट्स हवा में क्या होती है? हैंग. हैंग मीन्स क्या होता है? हैंग मीन्स झूलती हुई. ठीक है, या झूलना. तो ये हमें हवा में झूलती हुई नजर आती है. एंड फिक्स देमसेल्व्स इन द ग्राउंड. और ये अपने आप को ग्राउंड में भी क्या करी हुई है? फिक्स करी हुई है. ठीक है, ऐसा नहीं है कि जमीन के अंदर ये रूट्स नहीं होती, ये ग्राउंड के अंदर भी. देखो, ये जो प्लांट है जिनमें जो एरियल रूट्स वाले जो प्लांट हैं ये ग्राउंड के अंदर भी फिक्स रहते हैं, लेकिन इनमें कुछ स्पेशल रूट्स भी हैं जिसे हम एरियल रूट्स बोलते हैं. ठीक है, तो ये रूट्स हवा में झूलती हुई हमें नजर आती है. ठीक है, और कैसी है? एकदम थिक है. ठीक है, थिक जैसे कि ट्रंक की तरह. ट्रंक क्या है? स्टेम. ठीक है, मान लो ये ट्री है. ठीक है, तो जिन प्लांट्स से, जिन ट्रीज से हमें वुड मिलता है, लकड़ी मिलती है, जिनकी स्टेम एकदम थिक है, उन्हें हम क्या कहते हैं चिल्ड्रन? ट्रंक. ओके, तो ये जो एरियल रूट्स वाले जो प्लांट है इनमें जो ट्रंक है वो एकदम कैसी रहती है? थिक. थिक मीन्स मोटी. ओके, तो इसका चिल्ड्रन बेस्ट एग्जाम्पल है आपका बेनियन ट्री. ठीक है, एरियल रूट का, जिसे आप बहुत ईजी तरीके से आप समझ सकते हो. ठीक है, तो बेनियन ट्री. ठीक है, तो बेनियन ट्री चिल्ड्रन आपने मोस्टली देखा होगा. बेनियन ट्री क्या होता है? एकदम हैवी होता है. एकदम क्या होता है? हैवी. हैवी मीन्स भारी. ठीक है, सो चिल्ड्रन इसमें कौन सी रूट्स ग्रो करती है आपकी? एरियल रूट, या फिर हम इसे प्रॉप रूट भी कह सकते हैं. ठीक है, तो ये रूट्स कहाँ ग्रो करती है, कैसे ग्रो करती है? दीज रूट्स ग्रो फ्रॉम द ब्रांचेस. ये रूट्स ब्रांचेस से ग्रो करती है. ठीक है, इस तरह से आपने देखा होगा बेनियन ट्री से आपको लंबी लंबी एकदम मोटी मोटी लटकती हुई, ठीक है, ब्रांच नजर आती है ना. आप उसको ब्रांच बोल रहे हो लेकिन वो रियल में क्या है? रूट्स है. कैसी रूट्स है? एरियल रूट्स. ठीक है, तो ये रूट्स क्या करती है? ये रूट्स बेनियन ट्री को सपोर्ट देती है. सपोर्ट मीन्स सहारा. ठीक है, चूंकि बनियन ट्री क्या है? बहुत ज़्यादा बड़ा है, हैवी है, और बहुत ज़्यादा क्या है? भारी है, उसमें वेट ज़्यादा है. तो वेट को बैलेंस करने के लिए इसमें कौन सी रूट्स डेवलप रहती है? एरियल रूट. ओके, सो चिल्ड्रन आपको मैं एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ. जब आप बहुत तेज़ी से रन करते हो, दौड़ते हो या भागते हो, तब आप जब थक जाते हो तो आप क्या करते हो? एकदम ऐसे ही अपने आप को लूज, अपने हैंड को छोड़ देते हो, है ना. तो लूज हैंड छोड़ने से आपको थोड़ा सा क्या होता है? आपकी बॉडी को रिलैक्स फील होता है ना. क्यों? क्योंकि उस समय जो आपका बॉडी का वेट है, ठीक है, वो क्या होता है? अर्थ की तरफ को, डाउनवर्ड्स में, मतलब नीचे की तरफ को जाता है. ठीक है, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा हल्का फील होता है, मतलब रिलैक्स फील होता है. तो ये जो एरियल रूट्स हैं यहाँ पर बनियन ट्री में, ये एरियल रूट्स क्या करती है? बनियन ट्री को सपोर्ट कर रही है. ठीक है, ताकि बनियन ट्री एक ही जगह पर बना रहे. अगर ये एरियल रूट नहीं होंगी तो क्या होगा? बनियन ट्री बहुत ज़्यादा हैवी है ना, आधी तूफान से एकदम क्या हो सकता है? टूट सकता है. तो एरियल रूट इसे एक ही जगह पर बनाए रखने में क्या करती है? हेल्प करती है.
एक तरह से क्या कर रही है, ये बनियन ट्री को सपोर्ट कर रही है। ओके चिल्ड्रन, नाउ चिल्ड्रन आई होप आपको इतना समझ में आया होगा एरियल रूट क्या है, जो रूट्स एयर में हैंग करती हुई हमें नजर आती है। ठीक है, ये रूट्स क्या करती है, सपोर्ट देती है प्लांट को। ठीक है, नाउ चिल्ड्रन नेक्स्ट पीरियड इज द सबाउट बटरस रूट। ठीक है, अब हम बटरस रूट के बारे में पढ़ेंगे। बटरस रूट्स क्या होती है, देखो चिल्ड्रन बटरस रूट जो है आर द लार्ज रूट दैट ग्रो ऑन ऑल साइड ऑफ टॉल ट्री। ठीक है, तो बटरस रूट वे रूट है जो कि टॉल ट्री, एक लंबा सा ट्री है उसके चारों तरफ से ये फैली हुई रहती है, देखो इस तरह से। ठीक है, इस तरह से आपको फैली हुई नजर आएगी, कौन सी रूट, बटरस रूट। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, पिक्चर के थ्रू थोड़ा कोशिश करना, ठीक है, इसको समझने की। ठीक है, तो इस तरह से ये फैली हुई रहती है एक तरह से। ठीक है, बहुत दूर दूर तक ये फैली रहती है। ठीक है, तो इस तरह के रूट्स को हम क्या कहेंगे, बटरस रूट्स। तो ये रूट्स क्यों फैली रहती है चिल्ड्रन, ताकि ये रूट्स क्या कर सके, अलाउ प्लांट्स टू टेक मोर न्यूट्रिएंट्स, ताकि ये रूट्स सॉइल में से ज्यादा मतलब क्या ले सके, न्यूट्रिएंट्स ले सके। ठीक है, प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिल रहा है, सॉइल से। तो ये जितनी दूर तक फैली होंगी उतनी दूर तक क्या करेंगी, ये रूट्स क्या करेंगी, न्यूट्रिएंट्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब करेंगे, कौन सी रूट्स, बटरस रूट। ओके, सो चिल्ड्रन मैंग्रोव, मैंग्रोव इसका बेस्ट एग्जांपल है आपका बटरस रूट का। ठीक है, मैंग्रोव आपको पता है, मैंग्रोव मींस क्या है, सदाबहार का जो पेड़ है उसको हम मैंग्रोव बोलते हैं। ठीक है, तो बेस्ट एग्जांपल क्या है मैंग्रोव का, मैंग्रोव किसका एग्जांपल है, बटरस रूट का। ठीक है, तो इसमें देखो इस तरह की रूट्स एक सिंगल टॉल ट्री से कई ढेर सारी रूट्स फैली हुई रहती है। ठीक है, चारों तरफ से फैली हुई रहती है, क्यों फैली रहती है, ताकि ये जल्द से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व तो अपने अंदर ले सके। ओके चिल्ड्रन, इतना आपको समझ में आया। ठीक है, तो चिल्ड्रन देखो एक चीज़ और मैं आपको बताती हूँ, मैंग्रोव देखो जहाँ पर जैसे जहाँ पर जो सी कोस्ट वाली एरिया है, मतलब जो समुद्र के किनारे हैं, वहाँ पर आपने देखा होगा वहाँ पर सुनामी ये सारे क्या होते हैं, नेचुरल डिजास्टर आते हैं, है ना। तो नेचुरल डिजास्टर में क्या होता है, देखो सुनामी वाला जो नेचुरल डिजास्टर है उसमें क्या आती है, पानी की लहरें आती है ना। तो ये जो मैंग्रोव ट्री है हमें इसे ज़्यादा से ज़्यादा सी कोस्ट वाली एरिया में लगाने चाहिए, ताकि डेवलप करने चाहिए, ताकि ये क्या कर सके, ये जो मैंग्रोव ट्री है ये जो समुद्र की लहरें हैं, जो वेव्स हैं, उनको कंट्रोल करने में भी क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, तो मैंग्रोव ट्री किस में हेल्प कर रहा है, सुनामी की जो लहरें हैं या वेव्स हैं उनको कंट्रोल करने में। ठीक है, तो हाँ इसका यूटिलाइज आपको मैंने बता दिया है। ठीक है, तो सेकंड कौन सी रूट थी आपकी, बटरस रूट, और इसका एग्जाम्पल क्या है आपका, मैंग्रोव। ठीक है, इसके अलावा मेज, मेज भी आपका बटरस रूट है। ठीक है चिल्ड्रन, कौन सी रूट है मेज, बटरस रूट। इसके बाद चिल्ड्रन नेक्स्ट हम पढ़ेंगे थर्ड, फूड स्टोरेज रूट्स, फूड स्टोरेज रूट्स। ओके, सो चिल्ड्रन ये वर्ड से देखो आपको पता चल रहा है, फूड मींस क्या है, भोजन, स्टोरेज मींस इकट्ठा, एंड रूट मींस जड़। ठीक है, तो जो क्या करती है फूड को, जो रूट्स फूड को स्टोर करके रखती हैं। ओके, सो चिल्ड्रन सम प्लांट्स, कुछ प्लांट जैसे कि कैरेट, रेडिश, टर्निप, स्टोर, ये क्या करते हैं, स्टोर फूड, स्टोर एक्स्ट्रा फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा फूड को किसकी फॉर्म में, स्टार्च की फॉर्म में अपने अंदर और एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ठीक है, तो फॉर्म आपको पता है, फॉर्म मीन्स क्या है, रूप, जैसे पानी के रूप है ना, वाटर के रूप है, देखो जैसे आइस है, आइस क्या है, पानी है, आइस मेल्ट हो जाती है तो वाटर में चेंज हो जाती है, ऐसी वाटर वेपर है, तो यहाँ पर फॉर्म मीन्स क्या है, रूप। ठीक है, तो ये कुछ प्लांट ऐसे हैं जैसे कैरेट, टर्निप, रेडिश, ये सब क्या है, रूट्स हैं,
ये क्या करती है, फूड को, एक्स्ट्रा फूड को स्टार्च की फॉर्म में अपने अंदर स्टोर करके रखती है, जिसकी वजह से दीज बिकम स्वॉलन, ये जो रूट्स हैं ये हमें फूली हुई नजर आती है। जैसे कि आपका देखो चिल्ड्रन बीट रूट है, एकदम इस तरह का नजर आता है ना, क्यों नजर आ रहा है, क्योंकि जो एक्स्ट्रा फूड है उसे किस फॉर्म में, स्टार्च की फॉर्म में बीट रूट ने क्या कर लिया है, स्टोर कर लिया है, ठीक है, जिसकी वजह से ये हमें फूला हुआ नजर आ रहा है एकदम। अंडरस्टूड चिल्ड्रन? सो चिल्ड्रन इसी तरह से आपका स्वीट पोटैटो है, यम, यम को हम कहते हैं जिमी करते, ठीक है, तो यम हो गया, ये सब क्या है, यूजफुल स्टोरेज रूट्स है, जो कि कहाँ पर ग्रो करती है, फ्लड्स वाली एरिया में या फिर फेमाइन वाली या फिर ड्रफ वाली एरिया में ग्रो करती है, ठीक है, तो ये रूट्स उन जगहों पर ग्रो करती हैं ज़्यादातर जहाँ पर फूड की क्या है, कमी, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा जहाँ पर क्या होगा, कीचड़ होगी या तो वहाँ पर ग्रो करती है रूट्स, या फिर बहुत ज़्यादा जहाँ पर सूखा होगा, ठीक है, वहाँ पर ये ग्रो करती है। ओके, सो चिल्ड्रन वी ईट दीज रूट्स एज वेजिटेबल, इन रूट्स को हम वेजिटेबल्स की तरह, वेजिटेबल मीन सब्जी की तरह भी हम खाते हैं। ओके, नाउ चिल्ड्रन नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट वाटर स्टोरेज रूट्स, अभी ना वाटर स्टोरेज रूट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, जैसे फूड स्टोरेज रूट क्या कर रही थी, फूड को स्टोर करके रखी थी, वैसे ही वाटर स्टोरेज रूट्स किसको स्टोर करके रखी थी, वाटर को, ओके, तो वाटर मीन्स क्या है, पानी, तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है पंपकिन, पंपकिन है, ठीक है, इसके अलावा वही कैरेट, रेडिश, ये भी क्या करती हैं, वाटर को भी अपने अंदर स्टोर करके रखती हैं, ठीक है, तो जब ड्राई समर मंथ है, बहुत ज़्यादा ड्राई मतलब एकदम सूखा, गर्मी ज़्यादा है, तब ये जो कुछ प्लांट ऐसे हैं जो वाटर को क्या कर लेते हैं, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है, तो इन रूट्स को भी हम वेजिटेबल्स की तरह क्या करते हैं, खाते हैं। ओके चिल्ड्रन, तो वाटर स्टोरेज रूट्स क्या करती है, वाटर को स्टोर करके सिंपल। ओके, नाउ चिल्ड्रन अभी हम पढ़ेंगे फिफ्थ प्रोपोगेटिव रूट्स, ओके, तो प्रोपोगेटिव रूट्स का मतलब क्या है, प्रोपोगेटिव रूट्स मतलब जो फैली हुई रूट्स हैं, इसको हम एक तरह से बोल सकते हैं प्रसार, जो बहुत ज़्यादा फैली हुई रूट्स हैं उनको हम क्या कहेंगे, प्रोपोगेटिव रूट्स। सो चिल्ड्रन सम प्लांट्स प्रोड्यूस बर्ड्स अलॉन्ग द रूट्स, दे ग्रो नियर द ग्राउंड सर्फेस, ठीक है, तो कुछ प्लांट के जो बर्ड्स हैं, बर्ड्स मतलब क्या है, कली, बर्ड मीन्स क्या है चिल्ड्रन, कली, ये कली किसके साथ, रूट्स के साथ पूरे ग्राउंड की सर्फेस में क्या करती है, ग्रो करती है, तो इस तरह के रूट को हम क्या कहते हैं, प्रोपोगेटिव रूट्स। जैसे कि आपको बेस्ट एग्जाम्पल है स्ट्रॉबेरी, ठीक है, स्ट्रॉबेरी में आपने देखा होगा स्ट्रॉबेरी की में क्या, जो स्ट्रॉबेरी है वो कौन सा पार्ट है प्लांट का, बड वाला, ठीक है, कली वाला, तो वो कली रूट्स के साथ क्या होती है, पूरे फैली हुई रहती है, ठीक है, इसके अलावा देखो चेरी है, चेरी भी आपका एकदम कैसा रहता है, बड के साथ रूट्स फैली हुई रहती है, ठीक है, तो इस तरह के रूट्स को हम क्या कहेंगे, प्रोपोगेटिव रूट्स। अंडरस्टूड चिल्ड्रन? ठीक है चिल्ड्रन, तो प्रोपेगेटिव रूट्स क्या है, जो रूट्स की हेल्प से क्या है, फैली हुई है, ठीक है, तो प्रोपेगेटिव मतलब क्या है, फैली, तो किसके साथ फैली हुई रहती है, बर्ड अलोंग विद रूट्स। ओके, तो इसका एग्जांपल क्या है, स्ट्रॉबेरी, ठीक है, और इसके अलावा मैंने आपको क्या बताया था, चेरी, ठीक है, तो अगर आपने स्ट्रॉबेरी देखा है ग्रो करते हुए तो आप समझ सकते हो कि स्ट्रॉबेरी कैसे रूट्स हैं, प्रोपेगेटिव रूट्स, जो कि फैली हुई रहती है, ठीक है चिल्ड्रन। नाउ चिल्ड्रन नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट ब्रीथिंग रूट, ठीक है, अभी हम ब्रीथिंग रूट के बारे में डिस्कस करेंगे, ब्रीथिंग रूट्स, होता है सांस अंदर लेना, ब्रीथ करना एक तरह से, ठीक है। सो चिल्ड्रन देखो कुछ प्लांट ऐसे हैं, सम प्लांट्स ग्रो इन मार्शी एरियाज, कुछ प्लांट ऐसे हैं जो मार्शी एरियाज, मार्शी मतलब धसाव एरिया में ग्रो करते हैं, इट मींस ऐसे एरिया जहां पर क्या है, ज्यादा क्या है, पानी है,
ठीक है, दलदली एरिया एक तरह से बोल सकते हैं, जहाँ की सॉइल कैसी है, क्लेयर्ड है, ठीक है, एकदम चिकनी है, एकदम वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या है, पानी है, ठीक है। तो कुछ प्लांट कहाँ पर ग्रो करते हैं, मार्शी एरियाज में ग्रो करते हैं, ठीक है। तो चिल्ड्रन ये जो एरियाज हैं, ठीक है, मैंने भी आपको बताया इन एरियाज की जो सॉइल हो कैसी है, क्लेयर्ड है, और ये किसको रिमेन करके रखती है, वाटर को रिमेन करके रखती है, रिमेन मतलब बना करके रखते हैं, मतलब वहाँ पर हमेशा क्या रहता है, पानी रहता है, ठीक है। तो इस पानी की वजह से ये जो रूट्स हैं ये क्या नहीं कर पाती, ब्रीथ नहीं कर पाती, ठीक है, ये रूट्स क्या नहीं कर पाती, पानी की वजह से ब्रीथ नहीं कर पाती, इस वजह से ये जो रूट्स हैं ग्रो अबव द ग्राउंड टू एब्जॉर्ब एयर इनेबलिंग द प्लांट टू ब्रीथ, ठीक है। तो ग्रो करने के लिए ये क्या करती हैं, ये रूट्स ग्राउंड से ऊपर क्या करती हैं, ग्रो करती हैं, ताकि ये क्या कर सके, ब्रीथ कर सके, ब्रीथ मीन्स सांस ले सके। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, मैंग्रोव, जो मैंने आपको बटरस रूट पढ़ाई थी, है ना, बटरस रूट एक तो कैसी थी, एक आपका क्या था, एक टॉल ट्री है ना, उससे इस तरह की जो रूट्स फैली हुई थी उसे हम क्या कहते हैं, बटरस रूट। तो बटरस रूट भी किसका, देखो बटरस रूट किसका एग्जाम्पल है, ब्रीथिंग रूट का भी एग्जाम्पल है, ठीक है, इस तरह से फैली हुई रहती है, ठीक है। तो बटरस रूट में तो नहीं पढ़ा रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन लेने के लिए क्या करी होती है, रूट्स फैली हुई रहती है ना। उसके अलावा ये रूट्स फैलने का एक रीज़न और है, क्यों, क्योंकि ये जो रूट्स हैं ये कहाँ ग्रो करती हैं, ये प्लांट्स कहाँ ग्रो करते हैं, पानी वाली एरिया में, ठीक है, जहाँ पर वाटर हमेशा बना रहता है, दलदली एरिया में, ठीक है। तो पानी की वजह से ये रूट्स क्या नहीं कर पाती, ब्रीथ नहीं कर पाती, सांस नहीं ले पाती है, ठीक है। इस वजह से ये रूट्स ब्रीथ करने के लिए ये रूट्स क्या करती हैं, ग्राउंड से ऊपर ग्रो करती हैं, ठीक है, इस तरह से ये ग्रो करती हैं, ओके। सो चिल्ड्रन इसके अलावा आपका देखो पीपल है, पीपल में भी आपकी कौन सी रूट पाई जाती है, ब्रीथिंग रूट, ठीक है। पीपल में भी कौन सी रूट है चिल्ड्रन, ब्रीथिंग रूट, क्यों है ब्रीथिंग रूट, ताकि ये क्या कर सके, अच्छे से ब्रीथ कर सके, एयर को एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है चिल्ड्रन, ठीक है चिल्ड्रन। तो ये जो रूट्स है ये ट्री को भी एक ही जगह पर होल्ड करने का क्या करती है, काम करती है, ठीक है। तो तीन इसके मैंने आपको फंक्शन बता दिए, पहला क्या करती है, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन लेने का काम करती है, दूसरा ये क्या काम कर रही है, एयर को लेने का काम कर रही है, तीसरा ये ट्री को फिक्स करने का, एक ही जगह पर होल्ड करने का भी वर्क कर रही है, ओके। सो चिल्ड्रन आई होप टुडे हैव टू लर्न सो मेनी थिंग्स अबाउट रूट सिस्टम। इसके आगे के जो टॉपिक्स हैं, जैसे कि आपका है लीव्स, फ्लावर्स, ठीक है, टाइप पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ओके चिल्ड्रन। तो आज हमने सिर्फ क्या पढ़ा था, रूट सिस्टम, आपको फिर से इन सारी चीज़ों को क्या करना है, रिवाइज करना है, ठीक है। तो मैंने तो आपको बता दिया, समझा दिया, लेकिन आप दोबारा से रिवाइज नहीं करोगे तो आपके माइंड से स्लिप हो जाएगा सारा, ठीक है। आपको बुक से क्या करना है, इसको थोड़ा सा रिवाइज करना है। सो थैंक यू चिल्ड्रन।